नेक्स्ट टॉपिक इज पोजिशनल आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। और ये अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट्स होते क्या हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आपने देखा था कि हम फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से कॉल करते हैं। तो जब डिफाइन करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, इन्हें कहेंगे हम पैरामीटर्स। और जब कॉल करते हैं, जो वैल्यू यहां से पास करेंगे, इन्हें कहेंगे आर्गुमेंट्स। अब देखते हैं कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जितने आर्गुमेंट आपने, जितने पैरामीटर आपने यहां पर दिए हैं, उतने ही आर्गुमेंट आप यहां से पास करेंगे। अगर आपने यहां पे दो पैरामीटर दे रखे हैं तो दो वैल्यू ही आप यहां पे पास करेंगे। अगर आपने दो से ज्यादा की या दो से कम की तो ये एरर देगा, क्योंकि इस तरीके का फंक्शन इसे यहां पर अवेलेबल नहीं है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। देखो, आर्गुमेंट मतलब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट वो होते हैं जब आप स्पेसिफाई करते हैं कि आप कौन से वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करते, अगर आपने इसी तरीके से मेंशन किया, तो पहले वाली वैल्यू पहले वाले वेरिएबल को असाइन होगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन होगी। आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने चेंज किया तो रिजल्ट के आउटपुट में चेंज आ जाएगा, राइट? अब देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे देते हैं हम। कीवर्ड आर्गुमेंट में आप जो वेरिएबल वहां पर यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू असाइन करते हैं। इसे कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी आपने वही वाली की यूज की जो फंक्शन के अंदर यूज हो रही है, उसकी वैल्यू यहां पर असाइन की, राइट? तो आपने पहला कीवर्ड आर्गुमेंट दिया, दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट दिया, आउटपुट अभी भी वो आएगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आप चाहें तो इन्हें चेंज कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो पहले ये वाली वैल्यू पास कर सकते हैं, बाद में ये। तो जो कीवर्ड यहां पर होगा, ये उसी से मैच करके उसमें वैल्यू असाइन करेगा, राइट? तो इस तरीके से आर्गुमेंट पास करते वक्त वैल्यू आगे पीछे आप कर सकते हैं, अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं।